हमीरपुर जिले की 90% हेक्टेयर भूमि बारिश पर निर्भर है। किसान बारिश के इंतजार में अभी तक गेहूं बिजाई नहीं कर पाए हैं। सब्जियों का कारोबार भी दिन प्रतिदिन लेट होता जा रहा है। लंबे समय से बारिश न होने से किसानों की दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बागवानों की प्लांटेशन पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। बागवानों के पौधे कोहरे की चपेट में आकर नष्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि में किसान खेतीबाड़ी का कारोबार कर रहे हैं। इसमें 4,000 हेक्टेयर के करीब भूमि में सब्जियां उगाई जा रही हैं। जिला में सिंचाई की सुविधा नाम मात्र है। करीब 7 से 8% हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई हो रही है। ऐसे में किसान बारिश पर ही निर्भर है। वे चाहकर भी खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सब्जियों का कारोबार करने वाले किसानों को हो रहा है, क्योंकि समय पर बारिश न होने से सब्जियों की बिजाई का कार्य भी लेट हो रहा है। यही नहीं, जिन किसानों ने प्याज व गोभी की पनीरी लार्ज स्केल पर उगाई थी, उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। वे किसान बारिश न होने के चक्कर में पनीरी खेतों में नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में पनीरी क्यारियों में ही खराब होने का खतरा सता रहा है। मौसम भी ठंडा होना शुरू हो गया है। ऐसे में सब्जियों के उत्पादन में काफी कमी आएगी, जिससे किसानों को आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि किसान 20 नवंबर तक गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। अगर फिर भी समय पर बारिश नहीं हुई तो जरूर किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग में भी बागवानों को बारिश न होने से परेशान होना पड़ रहा है। बारिश न होने से पौधे कोहरे की चपेट में आकर झुलस रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो ऐसे हालात में किसानों को कम पानी की फसलों को उगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कम बारिश में किसान अच्छी पैदावार हासिल कर सके। किसानों का कहना है कि इस बार बहुत सालों बाद गेहूं की बिजाई के लिए देरी हुई है और बारिश न होने की वजह से समस्या बनी है। उन्होंने कहा कि बारिश समय पर नहीं हुई तो फसल की बिजाई देरी से होगी और गेहूं उत्पादन में कमी आएगी। वर्षा न होने के कारण फसल में काफ़ी देरी हो रही है बीजने में, जिसकी वजह से काफ़ी चिंता का विषय है और इससे हमें बहुत ही चिंता है कि बारिश ना होने के कारण। और हमारी जो फूलगोभी की फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है अगर बारिश ना टाइम से हुई तो। हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे सिंचाई की इतनी व्यवस्था भी नहीं है, तो हम लोग हमारी खेती जो है वो पूरी जो है वो बारिश के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन इस बार जो है बारिश में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, तो जिस कारण हम अपने गेहूं की बिजाई भी नहीं कर पाए हैं और साथ ही जो हमारे और अन्य फसलें हैं जैसे गोभी वगैरह, तो उसकी उड़ी वगैरह भी हम नहीं ढंग से दे पाए हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही इस बार जो है वो चिंता का जो है वो सबक बना हुआ है। को उगाने में इस बार हमें देरी का सामना करना पड़ रहा है और हम जैसा कि आपको पता है कि कनक की फसल को इस बार देरी से उगाया जा रहा है, क्योंकि इस बार समय से बारिश नहीं हो पाई है। कृषि विभाग के कार्यकारी उपनिदेशक अजय कुमार चोपड़ा ने बताया कि इस बार बारिश के देरी से होने के चलते गेहूं की बिजाई में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि विभाग ने समय पर गेहूं का बीज मुहैया करवा दिया गया है और गेहूं की बिजाई नवंबर माह में 20 तारीख के बाद तक ही हो सकेगी। ये जो टाइमली हम गेहूं का बीज पहुंचा रहे हैं किसानों को, उसको हम 20 नवंबर तक जो है बिजाई की जा सकती है। किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस बार सूखा बहुत लंबा हो गया है और इस समय अगर किसान बिजाई करते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो किसानों को थोड़ा इंतजार करके 20 नवंबर तक इंतजार कर सकते हैं किसान, इसके लिए उसके हिसाब से ही उनको बिजाई करनी चाहिए, जिससे कि उनके भरपूर फसल हो। इस साल हमने अभी तक अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से 4,478 क्विंटल बीज गंदम का हमने उपलब्ध करवा दिया है किसानों को, जो हर ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर और के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्तर पर उपलब्ध करवाया गया है। लगभग 35,000 हेक्टेयर में गंदम की बिजाई की जाती है जिला हमीरपुर में, और उसके हिसाब से ही बीज कैलकुलेट करके हमने हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। हमारे केवल 20% खेती जो है वो इरिगेटेड है, वहाँ किसान बिजाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी 80% जो क्षेत्र है वो असिंचित है, वहाँ पे किसानों को बारिश का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।